बिहार में सरकार बनने के बाद डेप्यूटी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया है। इस बार का बजट 2,78,000 करोड़ रुपए का रखा गया, जिसमें से शिक्षा से लेकर के तमाम पहलुओं पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया गया है। बताते चले हम आपको कि दरअसल आज जब सम्राट चौधरी बजट पेश कर रहे थे तो विपक्ष में खूब हंगामा हो रहा था, कुर्सियां भी बरसाई गई, कुर्सियां फेंकी गई, इस तरह के तमाम कारनामे देखने को मिले। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे और विपक्ष के द्वारा खूब हंगामा किया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच जो आज सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया है, ये बजट आम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, किन किन बिंदुओं पर बात की गई है और कितना किस डिपार्टमेंट में खर्च किया गया है, तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। और हम आपको बता दें कि जब आज का बजट पेश किया गया है तो 2,78,000 करोड़ का ये बजट है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़, जीएसटी वसूली में 95% लक्ष्य को पूरा किया गया है। साल 2024-25 तक बिजली उत्पादन में नवीनीकरण ऊर्जा से 35% बिजली उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्यकर विभाग ने 95.4% कर संग्रह किया है। आगामी बजट में कुल 2,78,425 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का लक्ष्य है। सात निश्चय फेज टू के लिए 5,040 करोड़ का प्रावधान सात निश्चय एक और दो पूरे राज्य में लागू होगा। बजट में वित्तीय संतुलन का ध्यान रखा गया है। 2,26,496 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में 1.5 गुना इजाफा हुआ है। वहीं बिहार के विकास दर 10% तक पहुंच चुकी है। राज्य में मातृ बिंदु दर में 27% तक की गिरावट भी दर्ज की गई है। बता दें कि ये जो बजट पेश किया गया है इसमें कई खास बिंदुओं पर काफ़ी ज़्यादा खर्च की गई है। बजट के प्रमुख बिंदु हैं, बजट जो है वो 2,78,725 करोड़ का है। योजना मत में भी काफ़ी खर्च किए गए हैं। गैर योजना में अगर बात की जाए तो 178,706 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं अगर वेतन में बात की जाए तो 71,816 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पेंशन में 31,796 करोड़ रुपए, ब्याज भुगतान में 2,526 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्र से प्राप्त करों में अगर हिस्सा की बात की जाए तो भी काफ़ी खर्च किया गया है। और राज्य का राजस्व विभाग में 54,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। राज्य के गैर कर राजस्व में 7,325 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर जब आज बजट पेश किया गया तो इन तमाम बिंदुओं पर खर्च करने की बात कही गई है। और सम्राट चौधरी ने जब ये बजट पेश किया तो सदन में खूब हंगामा हो रहा था। लेकिन हम आपको बता दें कि कल अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर सम्राट चौधरी ने लिखा था कि कल जो बजट पेश किया जाएगा वो बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, बिहार की जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा और वो फाइलें भी खुलेगी, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और सम्राट चौधरी ने भी किया है कि तमाम विभागों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी फाइलें खुलेगी और तेजस्वी यादव को सबक सिखाया जाएगा। फिलहाल जो बजट पेश किया गया है वो आम नागरिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, हमने तमाम बिंदुओं पर आपसे बातचीत की और बताया कि ये जो बजट है वो आपके लिए कितना खास है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।